सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ वरुण कौर मान। खबरां दे ब्रिटेन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे ब्रिटेन दे स्पॉन्सर हन रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन शीमा, रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम। पेश ने पहला चुनवियां खबरां। दिल्ली दे टिकरी बॉर्डर ते पत्थरबाजां तों बचण लई पुलिस ने लाया जाल। केजरीवाल वल्लों जेलां विच बंद 115 व्यक्तियां दी सूची जारी। किसान अंदोलन ते ब्रिटिश संसद विच हो सकती है चर्चा। ई पटीशन ते लाख तो वध दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट वल्लों दिल्ली हिंसा संबंधी पटीशना ते सुनवाई तो इनकार। दिल्ली दीआं सरहदां ते इंटरनेट सेवावां बहाल। केजरीवाल सरकार दा वड्डा फैसला, पुलिस ड्यूटी विच लगियां डीटीसी बसां विच वापस मंगियां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने किसान संघर्ष नाल जुड़े अकाउंट फिर तो बंद कर दित्ते ने। पेश ने हुण खबरां विस्थार नाल। दिल्ली विच किसानां दा अंदोलन जारी है। 70 दिनां तों ज़्यादा समां हो गया है अते किसान अपनियां मंगां नूं लै के दिल्ली दीआं सरहदां ते डटे होए ने। किसानां दा कहना है कि जदों तक खेतीबाड़ी बिल वापस नहीं लिया जांदा, ओह बॉर्डर खाली नहीं करनगे। किसानां ने इस अंदोलन दे मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर ते सुरक्षा दे पुख्ते प्रबंध कीते हन। सरहदां ते तार, किलां अते बैरीगेडिंग लगा दित्ती गई है। पहलां गाजीपुर बॉर्डर नूं किले विच तब्दील कीता गया अते हुण टिकरी बॉर्डर ते सुरक्षा व्यवस्था वादा किया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्थे भी किले की तरह सुरक्षा के प्रबंध किए गए ने। सीमेंट, रेता और कंडिया की तार नाल एक नवी बैरीगेडिंग तैयार कर दी गई है। उत्थे ही टिकरी बॉर्डर से हुण दिल्ली पुलिस जाल लगा रही है। वह जाल किसानों और सुरक्षा बलों विचाले रहेगा ताकि उत्थे तैनात जवान स्टोन प्लैटिंग तो बच सकन। टिकरी बॉर्डर से करीब 12 लेयर की सुरक्षा की गई है, जिस विच किसानों के मंच के ठीक बाद बैरीगेडन लगाई गई है। इसके उपर कंडियाली तार लगाई गई है। इसके बाद फिर इसे तरह की लेयर बनाई गई है। ट्रैक्टर इस दीवारां नूं ना तोड़ सके, इसके लिए दो बैरीगेडिंग तो बाद वड्डे वड्डे पत्थरां नूं खड़ा कर सीमेंट की चौड़ी दीवार बनाई गई। दीवार की उचाई करीब 6 फुट है। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी नूं दिल्ली NCR विच चक्का जाम नहीं किया जाएगा। टिकैत मुताबक जदों किसानां नूं दिल्ली विच प्रवेश ही नहीं करना है तो जेहे विच चक्का जाम करन दा सवाल ही नहीं उठता। आम आदमी पार्टी की सरकार अंदोलन दौरान लापता हुए लोगों का पता लगवाने लई किसानों के नाल खड़ी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली दीआं वख-वख जेलां विच बंद 115 किसानों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उन्होंने लापता लोगों नूं लभण की पूरी कोशिश करांगा जिन्हों का नाम इस सूची विच नहीं हन अते लोड़ पैण ते उपराज्यपाल अते केंद्र सरकार नाल वी गल करांगा। उन्होंने भरोसा दवाया कि आप किसानों के नाल है अते लापता लोगों का पता लगवाने मगरों उन्हां दे परिवार सूचित किया जाएगा। श्री केजरीवाल ने कहा कि बहुत सारिया किसान जथेबंदियां ते लोकां ने उन्हां नाल संपर्क करके दस्या सी कि 26 जनवरी नूं किसान अंदोलन विच हिस्सा लैण आए उन्हां दे परिवारक मैंबर घर नहीं परते। केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिआं कहा कि सारियां सरकारां दी जिम्मेवारी बनदी है कि उह गुम लोकां दी भाल करन अते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं जाणू करवाउण। भारत विच जारी किसान अंदोलन दा मामला हुण ब्रिटेन दी संसद विच मुड़ गूंज सकता है। खेती कानूनां ते जारी किसानां दे अंदोलन अते भारत सरकार वल्लों लए जा रहे सख्त फैसलियां नूं लै के ब्रिटेन विच इक पटीशन मुहिम चलाई गई, जिस ते लखां लोकां ने अपना समर्थन जाहिर कीता। हुण इस मगरों ब्रिटिश संसद विच किसान अंदोलन ते चर्चा हो सकती है। असल विच ब्रिटिश संसद दी वैबसाइट ते इक प्लेटफॉर्म है जिथे किसी भी मुद्दे ते लोग अपनी राय दे सकते ने। जेकर इत्थे किसी पटीशन नूं 1 लाख तों वध समर्थक मिलदे हन तां फिर उस ते संसद विच चर्चा कीती जा सकती है। भारत विच जारी किसान अंदोलन नूं लै के जिहड़ी पटीशन दायर कीती गई सी उस ते करीब 1,10,000 दस्तखत कीते जा चुके ने। अजिहे विच हुण ब्रिटिश संसद दी पटीशन कमेटी किसान अंदोलन ते चर्चा करन ते विचार कर सकती है। दस्तखत करन वालियां दी सूची विच बोरिस जॉनसन दा नाम होण दा दावा वी कीता गया, पर PM दे दफ्तर ने इस गल तों इनकार कीता कि इत्थे दस दईए कि भारत सरकार बीते दिन ही साफ कर चुकी है कि किसानां नाल जुड़िया मुद्दा अते प्रदर्शन भारत दा अंदरूनी मामला है। अजिहे विच किसे बाहरी व्यक्ति जां संस्था नूं इस ते टिप्पणी करन तों बचना चाहीदा है, नाल ही किसे तरां दे प्रचार नूं अगे नहीं वधाउणा चाहीदा। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस मौके दिल्ली विच किसानां दी ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा दे मामले दी जांच लई सर्वोच्च अदालत दे सेवा मुक्त जज दी अगवाई विच कमेटी दा गठन करन संबंधी पटीशन ते सुनवाई करन तों इनकार कर दित्ता।
जस्टिस एस ए बोबड़े की अगवाई वाले बेंच ने लोक हित पटीशन दायर करने वाले वकील विशाल तिवाड़ी नूं इस संबंधी लोड़ींदे कदम चुकने लई केंद्र सरकार कोल जाण लई कहा। जस्टिस ए एस बोपिना ने जस्टिन बी रामा सुब्रमिनियम दी बेंच विच शामिल सन। बेंच ने कहा कि सानू भरोसा है कि सरकार इसकी जांच कर रही है। असी प्रेस सामने दिते प्रधानमंत्री दे इस बयान नूं पढ़िया है कि कानून अपना काम करेगा, जिसका अर्थ है कि वह इसकी जांच कर रहे ने। असे इस पड़ाव ते इस दखल नहीं देना चाहते। अदालत ने ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा नाल संबंधित इस तरह दियां होर पटीशनां ते भी सुनवाई तो इनकार कर दिता। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को दसिया कि दिल्ली दी सरहदां ते जो 2 फरवरी रात तक इंटरनेट सेवावां मुअत्तल कीतियां गईयां सन ओह हुण बहाल कर दित्तियां गईयां ने। इस तों पहलां मंत्रालय ने दिल्ली दे सिंगू टिकरी गाजीपुर सरहदां समेत इन्हां दे नेड़ले इलाकियां विच इंटरनेट सेवावां 29 जनवरी की रात को 11 बजे बंद कर दित्तियां सन, जो कि 31 जनवरी रात 11 बजे तक मुअत्तल रहीयां। इस तों बाद सरकार ने 2 फरवरी तक इह पाबंदियां वधा दित्तियां। मंत्रालय ने हवाला दिता सी कि टेलीकॉम सेवावां दी अस्थाई मुअत्तली रूल 2017 तहत यह फैसला जनतक सुरक्षा बनाए रखण अते जनतक एमरजेंसी तो बचण लई लिया गया। उधर इस तो पहला अज 140 वकीलों के एक ग्रुप ने चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े नूं केंद्र वालों दिल्ली दी सरहदां ते बंद कीतियां इंटरनेट सेवावां संबंधी नोटिस लैण दी अपील कीती सी। 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड विच शामिल होण पहुंचे एक नौजवान किसान की लाश भेद भरे हालातों विच दिल्ली दे एक निजी हस्पताल च मिली। एक किसान उत्तर प्रदेश विच पीलीभीत दे पिंड भोतपुर दा रहण वाला सी, जिसकी पछाण 31 साला बलविंदर सिंह वजो हुई है। वह 9 दिनों तो लापता सी। दावा किया जा रहा है कि उसकी मौत एक सड़क हादसे विच हुई है, पर उक्त किसान दे परिवार ने दोष लगाया है कि उसका कतल किया गया। बलविंदर सिंह दे छोटे भरा वरिंदर सिंह मुताबक 23 जनवरी नूं अपने पिंड तों गाजीपुर बॉर्डर ते पहुंचिया सी। ओह वी बाकी किसानां वांग गणतंत्र दिवस किसान ट्रैक्टर परेड विच शामिल होण आया सी, पर 24 जनवरी तों ही उसका कुछ भी थौ पता नहीं लग रहा सी। उसदे भरा ने कहा कि वह पिछले एक हफ्ते तो उसनूं लभ रहे सी, पर उसके साथी किसानां नूं भी उस बारे कोई जानकारी नहीं सी। परिवार नूं 1 फरवरी नूं दिल्ली पुलिस वालों फोन ते सूचना मिली कि बलविंदर सिंह की सड़क हादसे विच मौत हो गई है। वरिंदर सिंह ने दोष लगाया कि बलविंदर की मृतक देह नूं देख के यह नहीं लगता कि उसका एक्सीडेंट होया होवेगा, उसका कतल किया गया है। फिलहाल लाश नूं परिवारक मैंबरां नूं सौंप दिता गया अते उसदे परिवार वालों बीते दिन अंतम संस्कार कर दिता गया। दस दईए कि 26 जनवरी की परेड विच हिस्सा लैण वाले वख-वख सूबिआं दे नौजवान लापता ने। दिल्ली पुलिस ने हिंसा दौरान हिरासत विच लए गए किसानां दी सूची भी नामा सहित जारी कीती है। केजरीवाल सरकार ने एक वड्डा फैसला लेंदे हुए दिल्ली पुलिस की ड्यूटी लई भेजियां गईयां डीटीसी बसां नूं तुरंत डिपू वापस परतण दा निर्देश दिता है। ये बसां वख-वख सुरक्षा एजेंसियां द्वारा किसान अंदोलन विच अंदोलन लई वरतियां जा रहियां ने। ट्रांसपोर्ट विभाग अनुसार दिल्ली पुलिस वालों किसान अंदोलन की शुरुआत तो ही डीटीसी बसां की वड्डी गिणती विच वरतों कीती जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने किसान संघर्ष नाल जुड़े अकाउंट फिर तो बंद कर दिते। यह मुहिम नूं वेख रहे माणिक गोयल ने दस्या कि ट्विटर ने यह कार्रवाई केंद्र सरकार वालों धमकी देण तों बाद कीती है। उसने दस्या कि ट्रैक्टर टू ट्विटर दे नाल नाल उन्हां वालों बनाए गए बैकअप खाते ते मुहिम नाल जुड़े कई निजी खाते भी बंद कर दिते गए। ट्विटर ने कुछ दिन पहला भी किसान संघर्ष नाल जुड़े अकाउंट सस्पेंड कर दिते सन, पर सोशल मीडिया ते तूफान उठण मगरों देर रात ये बहाल कर दिते गए सन। कल केंद्र सरकार ने ट्विटर नूं हदायत कीती सी कि वह किसानां दी नसलकुशी हैशटैग नाल संबंधित समगरी ते खातियां नूं हटाए। सरकार ने यह भी चेतावनी दिती सी कि जेकर ट्विटर ते सरकार दीआं हदायतां मुताबक काम ना कीता तां फिर माइक्रोब्लॉगिंग साइट खिलाफ सदा योग कार्रवाई भी कीती जा सकती है। संसद विच तीजे दिन भी किसान अंदोलन अते खेती कानूनां दा मुद्दा गरमाया रहा। राज सभा विच राष्ट्रपति दे भाषण ते चर्चा दौरान विरोधी धिर दे नेता गुलाम नबी आजाद ने भारत विच किसान अंदोलनां दा इतिहास दसदे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं खरियां खरियां सुनाईयां। उन्हां ने कहा कि किसानां नाल लड़ना बेमतलब है, ब्रिटिश सरकार नूं वी किसानां अगे झुकणा पिया सी। आजाद ने किसानां नूं सब तों वड्डी ताकत दसदे हुए कहा कि किसान अंग्रेज़ां दे जमाने तों संघर्ष कर रहे ने। उन्हां ने दस्या कि 1900 तों 1906 दरमियान अंग्रेज़ सरकार 3 कानून लैके आई सी।
उन्हां किसानां दी ताकत दा सरकार नूं अहसास करवाउंदे होए कहा कि अंग्रेजी हकूमत दौरान भी सरकार नूं झुकणा पिया सी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहली बार सरकार अते किसानां विचकार विरोध नहीं हो रहा। उन्हां कहा कि 1900 तो 1906 दे विच वी तीन कानून यूनाइटेड इंडिया विच अते ब्रिटिश हकूमत विच होए सन, पंजाब लैंड कोनियल एक्ट 1943, एक्ट 1906 अते कलोनियल एक्ट। इन्हां तिन्नां कानूनां विच इह मंग सी कि जमीन दी मालक ब्रिटिश सरकार होवेगी अते मालकाना हक तों किसानां नूं वांझा रख्या जावेगा। इन्हां विच किसानां नूं जमीन दे नाल ही घर अते दरख्त भी मालकाना हक्कां तों वांझा कर दित्ता गया सी। वड्डा बेटा परिवार दा बालिग नहीं होवेगा, जेकर उह मर जावेगा तां जमीन छोटे भरा दे नां ते ट्रांसफर नहीं होवेगी। इस ते ही बवाल मच गया अते 1907 विच इह अंदोलन होया। इस अंदोलन दी अगवाई सरदार अरजीत सिंह, सरदार भगत सिंह दे वड्डे भरा किशन सिंह, भगत सिंह दे पिता जी ने कीती। 1907 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਗੀਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1988 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। तीनों खेती कानूनों नूं वापस लै जाण दी मंग करदे होए आम आदमी पार्टी दे नेता संजय सिंह ने वीरवार जाने की अज राज सभा विच मोदी सरकार ते तिखी शब्दी वार कीता। संजय सिंह ने दोष लाया कि यह कानून किसानां लई नहीं सगों चार पूंजीपतियां नूं फायदा पहुंचाउण लई लियांदे गए ने। संजय सिंह ने नवे खेती कानूनों नूं काले कानून करार दिता। उन्होंने कहा कि इन्हां कानूनों खिलाफ किसान पिछले 71 दिनों तो अंदोलन कर रहे अते उन्होंने अतवादी गद्दार खालिस्तानी कह के बेइज्जत किया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि सरकार कहती है कि ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 165 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਰਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰੋ ਪਏ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।